तो देखो गाइज यार, आप लोगों को याद होगा हम लोगों को हमारे गेम के अंदर हर बार होली इवेंट के टाइम पे एक मैजिक क्यूब फ्री में जरूर मिलता था। पर गाइज यार, वैसे तो अभी के टाइम पे ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर क्रोमा इवेंट यानी कि होली इवेंट स्टार्ट हो चुका है। बट गाइज यार, अभी तो हम लोगों को हमारे गेम के अंदर कोई भी फ्री मैजिक क्यूब नहीं मिल रहा है। बट गाइज यार देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही जल्द हम लोगों को हमारे गेम के अंदर होली स्पेशल कुछ और भी फ्री इवेंट्स मिलने वाले हैं, जहां पर से गाइज यार हम लोगों को और भी सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिनके बारे में आप लोगों को भी पता नहीं होगा। तो गाइज यार देखो, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज मैं आप लोगों को होली स्पेशल कुछ सीक्रेट मिशन के बारे में बताऊंगा, जहां पर से हम लोगों को काफी सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। फिर गाइज यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो हमारे गेम के अंदर आने वाले और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जी हां गाइज यार, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक टुनाइट अपडेट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ गाइज यार, 2 मार्च के दिन हमारे गेम के अंदर एक नया फेडेड व्हील आने वाला है, तो मैं आप लोगों को आज उस फेडेड व्हील का भी रिव्यू करवाऊंगा। फिर गाइज यार, कुछ और भी ऐसे छोटे बड़े अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स है जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सच में यार, एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो इसलिए तो गाइज यार, आज के वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइज यार, फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले एक टुनाइट अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइज यार, मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो आज रात 12 बजे के बाद हमारे गेम के अंदर कुछ खास बड़ा इवेंट नहीं आने वाला है। बट गाइज देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो जो हमारे गेम के अंदर अवेलेबल फरवरी मंथ का बुया पास है, वो आज रात 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा। एंड गाइज यार, हमारे गेम के अंदर आज की रात 12 बजे के बाद हम लोगों को मार्च मंथ का बुया पास देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइज यार, आप लोगों को पता ही होगा यार, ये फरवरी की 28 तारीख है आज, और यार 28 तारीख के बाद तो हमारा नया महीना लग ही जाता है। तो इसीलिए गाइज यार, आज रात 12 बजे के बाद हमारे गेम के अंदर हम लोगों को कुछ इस तरीके का मार्च मंथ का बुया पास देखने को मिलेगा। और गाइज यार, अगर हम लोग बात करें इस मार्च मंथ के बुया पास के बारे में, तो यार यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो इस बुया पास के लेवल 1 के अंदर एक बहुत ही कमाल का M79 लॉन्चर का स्किन मिल रहा है, जो कि यार सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन गाइज यार, इसके बाद हम लोगों को इस बुया पास के लेवल 10 के अंदर एक सॉबोर्ड का स्किन मिल रहा है। साथ ही साथ गाइज यार, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के मोशा ट्रक का भी स्किन अवेलेबल है। एंड सच में यार, अगर हम लोग इस मोशा ट्रक के स्किन की बात करें, तो ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग खुद ही देखो, इसका कलर, इसके ऊपर जो डिजाइन है, सब कुछ एक नंबर है। फिर गाइज यार, हम लोगों को इसके बाद यहाँ पर इस बुया पास के लेवल 20 के अंदर 2 बहुत ही कमाल कमाल के बैनर मिल रहे हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। और यार मैं आप लोगों को बताऊं तो ये बैनर भी काफी सही है। देन इस बुया पास के लेवल 30 के अंदर हम लोगों को लॉन्चर का स्किन मिल रहा है। साथ ही साथ गाइज यार, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का लूट बॉक्स भी अवेलेबल है। आप लोग खुद ही देखो यार, ये लूट बॉक्स कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो इसके ऊपर से अफेक्ट आ रहा है, जो इसका डिजाइन है, सब कुछ एक नंबर है। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये लूट बॉक्स पसंद आया होगा। बाकी तो गाइज यार, हम लोगों को इस लूट बॉक्स के बाद इस बुया पास के लेवल 40 के अंदर 2 बहुत ही कमाल कमाल के अवतार मिल रहे हैं। यहाँ गाइज यार, पहले 2 बैनर मिले थे, अभी 2 अवतार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अवतार भी पसंद आए होंगे। फिर गाइज यार, हम लोगों को इन अवतार के बाद इस बुया पास के लेवल 50 के अंदर एक बहुत ही कमाल का फीमेल बंडल मिल रहा है। एंड यार, ये फीमेल बंडल भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग खुद ही देखो, इसके हेयर, इसका अपर, इसका लोअर, इसका शूज, सब कुछ परफेक्ट है। एंड गाइज, अगर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं, तो यार मैं गेम के अंदर फीमेल कैरेक्टर को यूज नहीं करता हूं, तो इसलिए मुझे कोई फीमेल बंडल पसंद भी नहीं आता है। बट फिर भी यार, ये बहुत ज्यादा अच्छा फीमेल बंडल है। बाकी तो गाइज यार, इसके बाद हम लोगों को इस बुया पास के लेवल 60 के अंदर एक डायमंड रॉयल का वाउचर और एक M79 लॉन्चर का स्किन मिल रहा है। देन इस बुया पास के लेवल 70 के अंदर हम लोगों को फिर से लॉन्चर का स्किन मिल रहा है। साथ ही साथ गाइज यार, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का सब बोर्ड भी अवेलेबल है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। और यार सच में सब बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। फिर गाइज यार, इसके बाद आप लोग यहाँ पर अवेलेबल ये ग्रेनेड का स्किन देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइज यार, ये ग्रेनेड का स्किन भी काफी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। बाकी तो गाइज यार, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस बुया पास के लेवल 90 के अंदर एक M79 लॉन्चर का स्किन मिल रहा है। साथ ही साथ गाइज यार, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा बैकपैक अवेलेबल है। आप लोग खुद ही देखो यार, ये बैकपैक का कलर, जो इसके ऊपर से अफेक्ट आ रहा है, सच में यार बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर गाइज यार, इसके बाद हम लोगों को इस बुया पास के लेवल 100 के अंदर एक काफी तगड़ा सा मेल बंडल मिल रहा है। लिटरली यार, इस बुया पास के अंदर अवेलेबल सारे के सारे आइटम की तरह ये मेल बंडल भी एक नंबर है। एंड यार, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो गाइज यार, यहाँ पर इस बुया पास का लेवल 100 तो एंड हो जा रहा है। तो चलो गाइज यार, अभी मैं आप लोगों को इस बुया पास के लेवल 100 के बाद का भी रिव्यू करवा देता हूँ। तो गाइज यार, अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, हम लोगों को इस बुया पास के लेवल 100 के बाद पहले तो कुछ खास अच्छा आइटम नहीं मिल रहा है। बट गाइज यार, लेवल 130 के अंदर हम लोगों को यहाँ पर से एक बहुत ही प्यारा सा लेजेंडरी साइथ का स्किन मिल रहा है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। सच में यार, ये साइथ का स्किन काफी ज्यादा
ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। फिर गाइस यार हम लोगों को यहाँ पर एक लॉन्चर का स्किन भी मिल रहा है। देन इन दोनों के बाद हम लोगों को इस भुया पास के लेवल 140 के अंदर एक ग्लू वॉल का स्किन मिल रहा है, जो कि परमानेंट स्किन और काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। आप लोग खुद ही देखो यार कितना भयानक सा स्किन है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार यहाँ पर भी हम लोगों को एक लॉन्चर का स्किन देखने को मिल रहा है। बट गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो इस भुया पास के लेवल 150 के अंदर हम लोगों को सबसे पहले तो ये लॉन्चर का स्किन परमानेंट मिल जा रहा है। साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर भुया पास के बंडल की क्रेट भी अवेलेबल है। देन हम लोगों को यहाँ पर एक अल्ट्रा रेयर ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है। बाकी तो गाइस यार फिलहाल हम लोग ध्यान से देखे तो अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट यानी कि हमारे मार्च मंथ के भुया पास का रिव्यू करवा दिया है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को भुया पास पसंद आया होगा। बाकी तो यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट फेडेड व्हील का रिव्यू करवा देता हूँ। तो गाइस यार अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो फेडेड व्हील आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे गेम के अंदर 2 मार्च के दिन आप लोगों को ये फेडेड व्हील देखने को मिल जाएगा। बाकी तो गाइस यार अगर हम लोग इस फेडेड व्हील की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को एक बहुत ही कमाल का मैक 10 गन का स्किन देखने को मिल रहा है, जो कि सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर गाइस यार हम लोगों को यहाँ पर इस मैक 10 गन के स्किन के बाद एक बहुत ही कमाल का लेजेंडरी साइथ का स्किन देखने को मिल रहा है। और गाइस यार अगर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूं तो गाइस मुझे तो ये साइथ का स्किन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ये फेडेड व्हील पसंद आ रखा है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को भी ये फेडेड व्हील पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार देखो क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को इस फेडेड व्हील का रिव्यू करवा दिया है और यहाँ तक का कि इसका कंफर्म डेट भी बता दिया है, तो यार मुझे तो नहीं लगता कि अब इस फेडेड व्हील के रिगार्डिंग कुछ और डिस्कस करने लायक रह गया है। तो चलो गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्पेशल फ्री रिवॉर्ड। जी हाँ गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं ये शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोगों को अभी तक हमारे गेम के अंदर होली स्पेशल फ्री मैजिक क्यूब नहीं मिल रखा है। तो इसलिए तो गाइस यार सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्री मैजिक क्यूब की कहानी बता देता हूँ। तो गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों को हमारे गेम के अंदर इस बार भी होली इवेंट में फ्री मैजिक क्यूब मिलने वाला है। बट गाइस यार वो हम लोगों को मिलेगा होली इवेंट के पीक डे यानी कि 8 मार्च के दिन। जी हाँ गाइस यार हमारे गेम के अंदर 8 मार्च के दिन एक ऐसा इवेंट आएगा जहां पर हम लोगों को कोई सा भी एक गेम खेलने पर फ्री में मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिलेंगे। यार लगभग हम लोगों को पूरा 1 घंटे तक ऐसे ही फ्री फ्रेगमेंट मिलते जाएंगे और गाइस यार इसके थ्रू हम लोगों को 100 फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, जिससे कि हम लोग एक मैजिक क्यूब को ले पाए। जी हाँ गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसा इवेंट हमारे गेम के अंदर पहले भी आ चुका है और इस बार फिर से आने वाला है। बाकी तो गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों को हमारे गेम के अंदर 8 मार्च के दिन ही एक ऐसा फ्री लेजेंडरी गन स्किन वाला इवेंट भी हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। एंड यार वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं आप लोगों को इस फ्री लेजेंडरी गन स्किन वाले इवेंट का रिव्यू तो पहले भी करवा चुका हूं। उम्मीद है गाइस यार आप लोगों को फ्री लेजेंडरी गन स्किन वाला इवेंट भी पसंद आया होगा। अब यार भाई 4 दिन के लिए परमानेंट मिल रहे हैं पर फ्री लेजेंडरी गन स्किन तो है ना, इसलिए यार पसंद तो आना ही चाहिए। बाकी तो गाइस यार फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद है गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताए गए सारे के सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। बाकी तो गाइस यार फिलहाल हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।